बीजेपी सरकार कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके यह करना चाहती है कि वह किसी भी प्रकार से इस चुनाव में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लगभग 66,000 करोड़ रुपए के आसपास में जो फंडिंग आई हुई है वह जनता के सामने डिस्क्लोज न हो, जिसमें 80% के आसपास या उसके क्लोजेस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है। सारा का सारा डेटा किसने किसको कितना दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेकंड बीजेपी बना करके काम करना चाहती है और चुनाव में बेनिफिट लेना चाहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के जो टाइम लिमिट्स दी गई है, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में उनको डेटा को देना है और वो पोर्टल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डेटा को अपलोड करेगा। ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टर बोर्ड जो बॉन्ड है हमारा उसने भी गलत ठहराया है, आरबीआई ने भी गलत ठहराया है, इसके साथ में जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ठहरा दिया है। तो जब हम इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन जैसे ही फाइल हो रही है, इन सारी चीजों को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक एप्लीकेशन लेकर के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। अब वो चाहता है कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, वो नहीं होने दिया जाएगा, आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। दूसरा आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में फ्राइडे को मैटर ईवीएम वाली जो सुनवाई का मैटर था वो लिस्ट हो गया, आइदर फ्राइडे है आइदर मंडे है, दो डेटों में फिक्स हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान को लेकर के था, उसमें ईवीएम सारी रिकॉल की जाएंगी, वीवीपैट रिकॉल किए जाएंगे, फिर से रिकाउंटिंग के लिए ऑर्डर है, ये सारी चीजों को लेकर के कोर्ट ने कल ही इस चीज से हमारे मैटर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मैटर फ्राइडे को यदि उसमें स्पेस रहेगा तो आइदर फ्राइडे आइदर मंडे। मैं पूरे भारत देश की जनता से यह बोलना चाह रहा हूँ कि ये दूसरी पिटीशन जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के थी वह भी आ गई है। क्या सर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा एसबीआई से कि 3 हफ्तों का जो टाइम दिया उसमें कुछ काम किया आप लोगों ने? करेक्ट, ये बात हम लोगों ने पूछा है कि आप लोगों ने डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, डिजिटल वर्ल्ड है, करेक्ट आपने कितना कलेक्शन किया है, क्योंकि मेजर जो इसमें अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किया है उनमें से कुछ लिमिटेड लोग हैं, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, तो वो सारे 22,000 के आसपास है, तो उनको अपलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से कुछ वही तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसके साथ में सबके आधार कार्ड होते हैं, आप लोग सारे लोग जानते हैं आधार कार्ड से सबके अकाउंट लिंक है, आज तो आप माने न माने उनके पास पूरे डेटा है, पूरे भारत सरकार के डेटा हैं, तो इसके आधार पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें सफल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता जो है इस बार 2024 का चुनाव होगा फ्री और फेयर इलेक्शंस में, उसका कंट्रीब्यूशन उसको पता होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वह पर्टिकुलर वोट उस व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं, इसका भी होगा प्रमाणित। दूसरा, कौन से व्यक्ति ने, किस राजनेता ने, किस बड़े बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, इसका भी स्पष्टीकरण जो आपके सामने है वो 30 जून न जाकर के जो अभी वो टाइम बाउंडेशन है उसके अंदर में ही टाइम मैनर में ही वो काम होगा। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने परसों एप्लीकेशन मूव किया है, कल, कि हमें टाइम एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ऑनरेबल सीजीआई का जो 5 बेंचों का जजमेंट आया था फुल सपोर्ट के साथ में विदाउट एनी किसी ऑब्जेक्शंस के, तो 5 बेंचों ने उसमें जो जजमेंट दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विद इन लिमिट्स में जितने लोगों ने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड में कितनी फंडिंग की है, किस बिजनेसमैन ने कितना दिया है, किस व्यक्ति ने कितना दिया है, वो संबंधित सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के माध्यम से ही प्रोसेस किया गया था, उसको लेकर के ये चाहते हैं कि अब इस टाइम को बढ़ा दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मस्ट किया गया था, कोर्ट ने मस्ट किया था कि आप सारे डेटा जितने भी हैं उन सारे डेटास को आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपलोड करिए, बट दिस इज नॉट अपलोडेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दूसरा इसका पक्ष यह भी जरूरी है कि यह पूरा का पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस किया गया था, पर ऐसा अभी दिखता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। अभी किसी ने बोला है कि चंदा मामा की एक बड़ी अच्छी पोयम किसी ने लगाया है, तो मैंने ये बोला है, उसको ट्वीट करके भी मैंने जानकारी दिया है कि आप लोग चिंता मत करिए, इसी चुनाव में 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का उसके पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जितना डेटा है वो डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंडेट किया जाएगा। हम सारे लोग उसमें उनकी मेंशनिंग में अपोजिंग भी कर दिए हैं और उसके साथ में यह साबित हो गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय पर करंट रूलिंग पार्टी को बचाने के लिए उनकी छवि खराब होगी या उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जो फंडिंग लिया है, जो अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों का या जो भी है XYZ जितने भी डेटास के लोगों के नेम है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा भारत सरकार के पास है, इसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी वो
डेटा नहीं अवेलेबल है। यहाँ तक है SBI और मोदी सरकार में इस समय पर भारत सरकार जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यह अपना एप्लीकेशन मूव कराई है, जिस एप्लीकेशन में स्पष्ट होता है कि बीजेपी चाहती है कि 2024 का जो चुनाव है वो हमारी इमेज न खराब हो जनता के सामने, उसको कहीं ना कहीं उसको घुमाना चाहती है, उसको लोगों को गुमराह करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उनको उन्होंने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए लिंगर ऑन करने के लिए किया है, पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग जल्दी ही सुनवाई देखेंगे। आपने कार्रवाई शुरू कर दिया, आपने क्या कार्रवाई शुरू? हम लोग जैसे उनका मेंशनिंग जो आ रहा है फॉर्मेट में, ये सारी फॉर्मेट का हम लोग उसका अपोज कर रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों करना चाहती है। इन सारी चीजों को लेकर के मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टाइम को एक्सटेंड करना चाहती है, डाटा को अपलोड नहीं करना चाहती है, बीजेपी का बचाव करना चाहती है। भारत देश के 140 करोड़ के जो जानता है मतदाता है उसका कहीं न कहीं वो पूरे तरीके से वॉयलेशन कर रहे उसके राइट्स का। इसी के साथ में आर्टिकल 19(1)(a) जिसके आधार पर ऑनरेबल जस्टिस ने इसका जजमेंट पारित किया था उसका कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है जो यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो SBI ने तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट को जिसके लिए उन्होंने समझ में आ रहा है आपके सर क्या कहना चाहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यही बोल रहे हैं कि हमें डेटा को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा और हमें थोड़ा समय चाहिए, पर ये मिसलेनियस है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारी पिटीशन डिजिटल हो गया ना, देखिए करेक्ट ये आप लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया इज द डिजिटल कंट्री, तो इंडिया जब डिजिटल कंट्री तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा क्यों कर रहा है? आप सारे लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक का जो चेयरमैन होता है वो पर्टिकुलर रूलिंग पार्टीज के उनका भी समय बढ़ाने की बात हो रही है, देखिए किस चीज का, स्टेट बैंक का। हाँ करेक्ट, तो ये सारी चीजिंग ये फैक्ट है, आप लोग जनता के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करिए। यहाँ पर करंट में बीजेपी सरकार कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके यह करना चाहती है कि वह किसी भी प्रकार से इस चुनाव में जो इलेक्टोरल्स बॉन्ड को लगभग 66,000 करोड़ रुपए के आसपास में जो फंडिंग आई हुई है वह जनता के सामने डिस्क्लोज न हो, जिसमें 80% के आसपास या उसके क्लोजेस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है। सारा का सारा डेटा किसने किसको कितना दिया है, सुप्रीम कोर्ट तो समय देगा SBI को नहीं देगा, ये इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया है, हम लोगों ने भी इस चीज को लेकर के सारी चीजें बोल दी है कि ये जो भी किया जा रहा है ये जनता को 5 साल के लिए सिर्फ मौका मिलता है और वो समय आ चुका है, जिसको लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो काम करना चाहती है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्रधानमंत्री हमारे सब जगह कहते हुए घूमते रहते हैं, तो डिजिटल इंडिया में ये सारे सॉफ्टवेयर इनके पास डेटा है वो 1 सेकंड का काम है, और इनके ऊपर यदि ये ज्यादा दबाव बनाए तो इनके ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज किया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि 140 करोड़ की जनता का जो राइट्स है, जो मताधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो वायलेशन हो रहा है, इन सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यह पूरी तरीके से बीजेपी इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेकंड बीजेपी बना करके काम करना चाहती है और चुनाव में बेनिफिट लेना चाहती है। SBI ने काम नहीं देंगे, SBI ने कहा कि 30 जून तक, हाँ वही 30 जून तक का उसको हम लोग नहीं करने दे, इंतजार कर लीजिए 30 जून। नहीं नहीं, हम 30 जून तक क्यों इंतजार करें, जनता को वोट देने का अधिकार अभी है और लगभग मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से चुनाव की आचार संहिताएं और आचार से चुनाव चालू हो जाएंगे, उसके पहले जनता को डिसाइड करने का पूरा पावर है कि कौन से व्यक्ति ने कितनी फंडिंग ली है, कौन सा फंडिंग कितना पैसा किसके पास आया है, किस पार्टी को किसने कितना दिया है, सरकार ने जो पूरे सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति पूरी बेची है उसी संबंधित व्यक्तियों से बेची है या किसी और को, तो आर्टिकल 19(1)(a) का ये पूरा कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें पूरे भारत देश की जनता के पास ये राइट्स और पावर बनता है कि वो उसको यह जानने का हक है कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसको कितना फंडिंग दी जा रही है, कौन से व्यक्ति कितना चुनाव में फंड कर रहा है, ये सारी चीजों को नॉलेज में लेने की आवश्यकता है। लग रहा कोर्ट का यहाँ मजाक बनाया जा रहा है, कल को डाटा रिलीज करना है बैंक और कल उन्होंने आप लोग चिंता मत करिए, हम सब लोगों की कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार है, कल पहली पिटीशन उन्हीं के खिलाफ में आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ में, आप चिंता मत करिए, इसीलिए वो एप्लीकेशन डाल करके अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, पहले से ही कंटेम्प्ट। तो बड़े खुश हो रहे थे ना कि एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, अभी भी खुश है जब इतना फैसला इस चीज को लेकर, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा जिस बेंच पर देखिए लगाते उसी बेंच पर गया, देखिए नहीं नहीं वो मेरी बात सब आप लोग कुछ और बात घुमा रहे हैं।